हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारे जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले थे वो आर्टिकल था हमारा शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। ओके, तो उसके हमने फॉर्मूले निकाले थे डियर स्टूडेंट। और पहले हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर था, उसको चार्ज कैपेसिटर से अगर कनेक्टेड किया तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, उसका फॉर्मूला निकाला था। बाद में दोनों भी चार्ज कैपेसिटर चार्ज है, और चार्ज कैपेसिटर को अगर हमने कनेक्टेड अगर किया डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल, तो उसका कॉमन पोटेंशियल कितना था वो हमने निकाला था। अब उसका जो थोड़ा जो पार्ट है, ओके, अगर हमने कैपेसिटर को अगर सेम पोलरिटी प्लेट से अगर कनेक्टेड अगर किया, मानो ये एक कैपेसिटर है, ओके, C1 है और इसका है C2 कैपेसिटर, ओके। अब यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां पे देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो अगर हमने सेम पोलैरिटी को अगर कनेक्टेड अगर किया, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हमने कनेक्टेड अगर किया और नेगेटिव नेगेटिव अगर हमने कनेक्टेड अगर किया, तो हमें हमें कौन सा मिलेगा, उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वी इक्वल टू, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, ओके। तो दोनों भी चार्ज कैपेसिटर है और चार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्टेड किया, तो कॉमन पोटेंशियल हमने C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। कब, जब सेम पोलैरिटी से हमने कैपेसिटर प्लेट क्या किया, कनेक्टेड किया। अगर हमने इसको रिवर्स पोलैरिटी से अगर अपोजिट पोलैरिटी से अगर कनेक्टेड अगर किया, अपोजिट पोलैरिटी यानी ये अपना पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट चार्ज है और ये अपना नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये होगा C1, उसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव यहां आए और ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर गया। अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट पोलैरिटी अगर हमने क्या किया, कनेक्टेड अगर किया, तो उसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, उसका कॉमन पोटेंशियल होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। तो अपोजिट पोलैरिटी से अगर हमने अगर कनेक्टेड अगर किए कैपेसिटर के प्लेट्स, तो हमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितना मिलेगी, Q1 माइनस Q2, और सेम पोलैरिटी से अगर हमने कनेक्टेड अगर किए तो हमें कॉमन पोटेंशियल का न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2, और अपोजिट पोलैरिटी में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में Q1 माइनस Q2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा डियर स्टूडेंट, दैट इज C1 प्लस C2 एंड C1 प्लस C2, क्योंकि शेयरिंग ऑफ अगर हमने चार्ज का शेयरिंग करते हैं और उसको अगर हमने कनेक्टेड अगर किया, तो कैपेसिटेंस जो है वो यहां पे हमें सेम नजर आ रहा है, ओके। तो उसके बाद अब हमें पता है डियर स्टूडेंट, हमने शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर का आर्टिकल हम पिछली बार कंसीडर किया, तो उसका एक छोटा सा पार्ट था। अब ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज द एनर्जी लॉस्ट, ओके, शेयरिंग ऑफ चार्ज से क्या होती है डियर स्टूडेंट, एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है, दैट इज आज जो है हम वो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। मानो दो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर है, उसको हम कनेक्टेड अगर कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी, क्या इक्वेशन रहेगा, अगर दो चार्ज कैपेसिटर अगर हम कनेक्टेड करते हैं और उसका शेयरिंग चार्ज शेयरिंग होता है,
तो एनर्जी जो लॉस्ट होती है, हमें पता है जो एनर्जी जो लॉस्ट होती है, क्योंकि स्टोर जो एनर्जी है इट इज ओनली स्टोर द हाफ परसेंट, दैट इज क्यू वी बाय टू, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी दैट इज इक्वल टू क्यू वी, तो वो सिंगल कैपेसिटर के लिए ओके. तो अब कॉम्बिनेशन का एनर्जी लॉस का कैसा रहेगा तो वो हम निकालेंगे. अब पहले जो कैपेसिटर था पहला कैपेसिटर के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोरेज रहेगी वो हम U1 लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर. और सेकंड कैपेसिटर की जो एनर्जी लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू 1/2 C1 V2 स्क्वायर. ये जो एनर्जी है दैट इज बिफोर कनेक्टेड ओके. हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड हाफ C2 V2 स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, उसको हमने किया. तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग दी चार्ज U=U1+U2, दैट इज इक्वल टू ½ C1 V1 स्क्वायर + ½ C2 V2 स्क्वायर. टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडिविजुअल कैपेसिटर ओके. तो ये होगा हमारा U=U1+U2 ½ C1 V1 स्क्वायर + ½ C2 V2 स्क्वायर. अगर आफ्टर शेयरिंग दी चार्ज यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ओके. आफ्टर शेयरिंग दी चार्ज क्या होगा, ये जो एनर्जी रहेगी एनर्जी स्टोरेज ये क्या होगा, चेंज होगा. यानी आफ्टर शेयरिंग दी चार्ज बोथ दी कैपेसिटर पजेस दी कॉमन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हम वी से डिनोट करते हैं, पिछले वीडियो में हमने कहा है ओके. तो वो जो रहेगा वो हम अब एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी यू वन का, हम इसको U1 2′ लेते हैं, U1 2′ दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको हम U1′ करते हैं ओके. U1′ U2′, तो इसको U1 2′ यानी शेयरिंग आफ्टर शेयरिंग और U1′ यानी बिफोर शेयरिंग ओके. अब 1/2 C1 V1 स्क्वायर + 1/2 C2 V2 स्क्वायर यानी उसका जो रहेगा पहले हम एक एक करते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते हैं. आफ्टर शेयरिंग दी चार्ज तो क्या होगा, U1 2′ दैट इज 1/2 C1, अब पोटेंशियल कॉमन रहेगा, ये होगा 1/2 C1 V2 स्क्वायर. अब U2′ 1/2 C2 V2 स्क्वायर ओके. अब आफ्टर शेयरिंग दी चार्ज व्हेन द कैपेसिटर फुल्ली चार्ज इट अटेन द सेम कॉमन पोटेंशियल देन टोटल एनर्जी U′ दैट इज इक्वल टू U1 2′ + U2 2′ ओके. तो यहां पे हम 1/2 C1 + 1/2 C1 V2 + 1/2 C2 V2 स्क्वायर, यहां से V स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 यहां पे प्लस रहेगा ओके. 1/2 C1 V स्क्वायर + 1/2 C2 V स्क्वायर 1/2 C1
प्लस सी टू वी स्क्वायर वन बाय टू सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये हो गया यू डैश। अब वी स्क्वायर की जो वैल्यू है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने ये पता है सी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ओके, तो वी की वैल्यू अगर हमने ये वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो यू डैश हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सी वन वन बाय टू सी वन प्लस सी टू, और वी की वैल्यू क्या डालना है हमें सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर, सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर। अब यहां पे सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर और यहां पे एक सी वन प्लस सी टू है, एक यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यू डैश इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यू डैश इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वन बाय टू सी वन प्लस सी टू, वन बाय टू सी वन प्लस सी टू, और यहां रहेगा सी वन बी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर, वन बाय टू सी वन प्लस सी टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर। ओके, अब जो लॉस्ट ऑफ एनर्जी है दैट इज द एनर्जी डिफरेंस, और एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस इसको हम रख करते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ये माइनस ये हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू उसको हम लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी डिफरेंस डेल यू दैट इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश दैट इज इक्वल टू वन बाय टू सी वन बी वन स्क्वायर प्लस वन बाय टू सी टू वी टू स्क्वायर। ओके, माइनस वन बाय टू सी वन प्लस सी टू, और यहां रहेगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर, वन बाय टू सी वन प्लस सी टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर हमने अगर सॉल्व अगर किया, वन बाय टू यहां से कॉमन निकलेगा तो यहां पे सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर रहेगा। ओके, माइनस यहां पे अब टू सी वन सी टू अगर एलसीएम अगर रहा और उसको अगर हमने रिअरेंजिंग अगर किया तो हमें मिलता है एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी शेयरिंग ऑफ चार्ज से एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू सी वन सी टू, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट, सी वन सी टू अपॉन टॉइस सी वन प्लस सी टू अपॉन टॉइस सी वन प्लस सी टू, और यहां आएगा वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, यहां क्या आएगा वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, सी वन सी टू अपॉन टॉइस सी वन प्लस सी टू दैट इज इंटू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, कितना आएगा वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज, और एनर्जी लॉस जब चार्ज शेयर होता है तो एनर्जी लॉस होता है, इट इज अ पार्टली कन्वर्टेड इंटू हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सम क्रैकिंग नॉइस में होता है और सम स्पार्किंग लाइट में कन्वर्ट, पार्टली सम क्रैकिंग नॉइस एंड पार्टली सम स्पार्किंग लाइट, और पार्टली हीट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है।
तो ये सिंपल ऐसा फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, जिसको आप नोट कीजिएगा और इसका हमने पूरा आपको समझा है। और कॉम्बिनेशन की जो टोटल एनर्जी रहेगी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। और पोलैरिटी अगर रिवर्स अगर की तो कैसा फॉर्मूला होगा कॉमन पोटेंशियल का, और पोलैरिटी अगर सेम अगर रही तो कैसी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, वो भी हमने समझा है। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। और ये जो आर्टिकल है हमने वो नीट सीईटी एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। और हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स है नीडी स्टूडेंट्स है उनको शेयर कीजिए। और आप जो है वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, कुछ कुछ जो स्टूडेंट है वो तो जबरदस्त फीडबैक दे रहे हैं हमें, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, तो इसे आप नोट कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल है। तो कैपेसिटर का जो सेशन था हमारा वो अभी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।